पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ बरसठी का युवक। जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के कानपुर में दिल्ली में हुए चोरी के आरोपी को पकड़ने गए दिल्ली पुलिस ने युवक को पीट कर किया आत्मरा, इलाज के लिए ले गए जिला अस्पताल। बता दें कि कानपुर गांव निवासी आशुतोष सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद, जो कि दिल्ली में किसी विवेक अग्रवाल की राम मटेरियल की कंपनी में मुनीम के पद पर कार्य कर रहा था। कुछ दिन पहले आरोपी और दिल्ली के लोकनाथ ने कंपनी का 48 लाख का राम मटेरियल बेच दिया और वहां से भाग निकले। कंपनी मालिक ने दोनों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 87/21 धारा 381 411 34 IPC माल हड़पने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया था। लोकनाथ फिलहाल दिल्ली जेल में बंद है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दूसरे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट गाड़ी इनोवा नंबर HR 38 AA 3307 से 3 सिपाही, 261 ONDs मदनलाल, 2512 ONDs सिद्धार्थ और 2490 ONDs मंजीत सादे ड्रेस में आए थे। वह गांव में सुबह पहुंचकर दबंगई के साथ वह बिना स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में पिटाई करते हुए गाड़ी में बैठा लिए। जैसे इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी, मौके पर पहुंच गई और दिल्ली पुलिस से पूछताछ करने लगी, तो उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत होना बताया। इस संदर्भ में थाना प्रभारी ने कहा, मारने पीटने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जब दिल्ली पुलिस हमारे यहाँ थाने पर लेके आई तो उसकी हालत नाजुक देख तुरंत बरसठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपका नाम क्या है भाई साहब? रणजीत सिंह प्रधान। अच्छा, क्या कानपुर के घर? हाँ। क्या मामला हुआ आज आपके? मामला ये लोग सीधे पहुँचे हैं। कौन लोग थे? दिल्ली के 3 लोग थे। कौन है? पुलिस वाले हैं, क्या है, कोई जानता नहीं। सादे वर्दी सब पहुँचे, सीधे हाथापाई किए और सब साथ छिड़कानी करने के प्रयास किए, उसकी मारपीट हुई। हाँ, इसके बाद बताया कि डकैत है, क्या है, और उसमें कोई जानकारी नहीं। उसको मार बहुत ज्यादा दिए हैं, जरूरत से ज्यादा औरतों को भी बेइज्जत किए हैं। अच्छा। खुली रिवाल्वर से दिखाते हुए निकले हैं। खुली रिवाल्वर दिखाते हुए निकले? हाँ, घर में। तो लड़के को साथ लेकर के आए? हाँ, आशुतोष को। हाँ, साथ में लेकर आए। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? कमलेश कुमार। कहाँ घर है आपका? कानपुर। ये जो आपके आज गाँव में आशुतोष सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह के साथ घटना क्या हुई, क्या मामला था? दिल्ली पुलिस जो आई थी सादे ड्रेस में, दिल्ली पुलिस थी कि यूपी पुलिस थी, कोई किसी की जानकारी नहीं थी। घर पे कोई नहीं था, महिलाएं 2 थी और घर के अंदर घुस के महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना। और जब ये घटना हुई तो अगल बगल की महिलाएं जुटी, उनसे हाथापाई हुई। पुलिस वाले जो सादे ड्रेस में गए, सादे ड्रेस में थे, उनको कोई किसी की जानकारी नहीं थी कि पुलिस। बाद में हम लोग जब पहुँचे तो जानकारी हुई, वो लोग चले गए, तो बाद में यहाँ से अपना